और केस प्रिपेयर करने के बाद उन केसेस को कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंट किया, किया जाता है जब उन केसेस को प्रेजेंट किया जाता है दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ वे कि वहाँ पर कोई भी कॉन्फिडेंशियल मटेरियल जो है वो डिस्प्ले ना किया जाए चाहे वो हम टीचिंग पर्पज़ के लिए करें हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए करें हैं या हम किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में करें हैं जो कि इन फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन हो सकता है फॉर द जनरल पब्लिक और अ रिसर्चर्स कम्यूनिटी सो so, वहाँ पर उन केसेस को इस तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी होता है कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी क्लाइंट जो है वो आइडेंटिफाइबल ना हो द फॉलोइंग आइडेंटिफायर्स शुड बी रिमूव्ड और ऑल्टर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर रिलीज और डिस्कशन इन पब्लिक स्टेटमेंट टीचिंग और रिसर्च चाहे वो कॉन्फ्रेंस के लिए कर रहे हैं या हम लोग वो केस को प्रजेंट रहे हैं फॉर डिस्कशन एंड टेकिंग कॉमेंट्स फ्राम द एस्पेक्ट्स और या फिर हम Uh, उसको एक पब्लिकेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं नेम्स ये कभी भी नहीं डिस्प्ले होने चाहिए uh, बल्कि मोस्टली हम जब सर्वेस करते हैं या हम जब किसी क्लाइंट uh, के साथ इंटरव्यू करते हैं या सेमी स्ट्रक्चर्ड या उसके साथ हम कोई ऑब्जरवेशन करे होते हैं तो हम उनके जो नाम हैं वो नहीं पूछते और उनके हम फेक कोड्स जो हैं वो डालते हैं जियोग्राफिकल सब डिविजन स्मॉलर दैन अ स्टेट थ्रू द इनिशियल थ्री डिजिट्स ऑफ अ जिप कोड कैन बी यूज्ड यहाँ पाकिस्तान में जिप कोड्स जो हैं उस तरीके से यूज नहीं होते कि हर इंडिविजुअल को उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो हम एक प्रोविंस के लाज सेक्टर्स करके उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसे शुमाली पंजाब या जनूबी पंजाब या इस तरीके के साथ हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हम किसी एस्ट साउथ से या वेस्ट के जोग्रफिकल रीजन से कोई डाटा जो है वो प्रजेंट कर रहे हैं एनी डेट्स एक्सेप्ट ईयर्स कोई भी स्पेसिफिक डेट जो है वो एक आइडेंटिफायर हो सकती है इसलिए कभी भी डेट्स जो है वो मैंशन नहीं की जाती है. जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ या उसकी इल्स की जो मैनीफेस्टेशन है वो कब से शुरू हुई ये चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड दैन टेलीफोन नंबर फैक्स सोशल सिक्योरिटी मेडिकल रिकॉर्ड्स हेल्थ प्लान अकाउंट और मेडिकल डिवाइस आइडेंटिफिकेशन और लाइसेंस नंबर्स

यूज किए हुए थे बट वेन आई रीच दैट अपन आई हैव सीन कि वहाँ पर उसने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई थी जो बर्न विक्टम्स की थी वैन आई सॉ दम मैंने उसको कहा आपने पूरी रिपोर्ट में इसके बारे में कहीं बात नहीं की एंड एट द एंड इन एनेक्सचर्स यू हैव जस्ट गिवन द पिक्चर्स ऑफ दोज बर्न विक्टम्स सो ये तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी uh, का ब्रीच है वैन आई हैव सीन द कम्प्लीट होल डॉक्यूमेंट माइन्यूटली आई हैव कैम कम टू नो दैट उसने उस ऑर्गनाइजेशन का नाम दिया हुआ था जिससे उसने डाटा कलेक्ट किया था इस तरह की सिचुएशन में इवन आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहे हैं आप लोगों की पिक्चर्स दे रहे हैं सो दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत ईजीली आप ट्रैक कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो कौन है वो कहाँ से बिलोंग करता है वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ वर्क करती है यू कैन ईजिली रीच आउट टू दोज इंडिविजुअल्स जो इस केस में बर्न विक्टम्स थे सो so, uh, इस तरह के आइडेंटिफायर्स रिमूव करना और इसके बारे में बताना uh, सब स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी को बहुत बिविटल है ताकि किसी भी रिसर्च uh, की पब्लिकेशन में किसी भी केस की प्रेजेंटेशन में uh, ये मिस्टेक जो है वो ना की जाए बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स इंक्लूडिंग फिंगर एंड वॉइस प्रिंट्स जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है समटाइम्स वहाँ पर आपके पास ये इंफॉर्मेशन भी होती है फुल फेस फोटोग्राफिक और कंपेरेबल इमेजेस एनी अदर यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर करेक्टरस्टिक्स और कोड कोई भी एक ऐसी चीज जिससे ये इंडिविजुअल के बारे में एक्सेस करना या रीच आउट करना आसान हो जो इनसे हटकर भी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो वो जो है रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सम सरकमस्टांसिज इन अकॉर्डेंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स द साइकोलॉजिस्ट मे कंसिडर अ मेथड फॉर नोटिफाइंग क्लाइंट्स अबाउट चेंज इन द कस्टडी ऑफ देयर रिकॉर्ड कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि रिकॉर्ड्स के अंदर आपने आइडेंटिफायर्स रिमूव करने के बाद उसको जिस तरीके से कोड किया होता है तो क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको एक फेक कोड ये आइडेंटिफाई कर आपके पर्सनल इन्फॉमेसन के लिए आपको बताया जा रहा है कि आपको ये एक फ़ेक कोड असाइन किया गया है ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो सके इसको बताने का पर्पज़ होता है कि एट एनी टाइम अगर वो थेरेपिस्ट वहाँ मौजूद नहीं है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उसका रिकॉर्ड मौजूद है और वो क्लाइंट उसमें से कुछ एक्सेस करना चाहता है तो वो अपना कोड नंबर जो है वो बताकर अपनी उस इंफॉर्मेशन को पर्सनली रिट्रीव कर सकता है सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द कॉन्फिडेंशियल मटेरियल इन रिसर्च एंड टीचिंग पर्पसेस